बलिया उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बलिया शाखा द्वारा ही त्रिवार्षिक चुनाव गंगा बहुदेशीय सभाकर में हुआ। लेखपाल निर्भय नारायण सिंह को अध्यक्ष पद के लिए नवनिर्वाचित किया गया और साथ ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर कांटे की टक्कर में मनोज कुमार यादव नवनिर्वाचित रहे। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय महासचिव कृष्ण कुमार यादव द्वारा ही देखने की पूरी चुनाव प्रक्रिया है और अध्यक्ष पद निर्भय नारायण को नवनिर्वोध चुना गया। पर्चे बताइए। मैं मुन्ना राम सदर तहसील में मैं कार्यरत हूँ और जिला महामंत्री के लिए मैं निर्वाचित घोषित हुआ हूँ। क्या कहना है आज आप काफी खुश नजर आ रहा है, माला से आपका स्वागत किया जा रहा है, चारों तरफ उल्लास का माहौल है, क्या बात है? आप किस पद के चुनाव हुआ है, किस पद के लिए आप जीते हैं और किसको शुभकामनाएं देते हैं? देखिए, यहाँ हमारा जो द्विवार्षिक सम्मेलन हुआ है उसमें महामंत्री पद पर चुनाव हुआ है और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ है। महामंत्री पद पर मैं जो है निर्वाचित हुआ हूं और साथियों के स्नेह प्रेम प्यार से जो है आशीर्वाद मिला है, मैं जीता हूं। और जीतने के बाद मैं लेखपाल की जितनी समस्या होगी प्रयास करूंगा कि वो समस्या शीघ्र जो है हल हो। जिस पद को आपने पाया है क्या ये निर्विरोध पाया है या संघर्ष करना पड़ा है इसके लिए? इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है, संघर्ष ही जीवन है। आपके सामने कितने प्रत्याशी मैदान? बस दो ही लोग थे हम। कितने वोटों से आपको जीत मिली? 36 वोटों से मैं विजयी हुआ हूँ। क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों के लिए? मैं साथियों के लिए कहना चाहूँगा कि मैं तो सबसे पहले उनको सभी साथियों को धन्यवाद करता हूँ और आभार करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैं उनको भूर प्रशंसा करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही खुशहाल रहे मैं ये प्रयास करूँगा। जिला मंत्री छठू यादव जी, आज जो चुनाव हुए चुनाव आप क्या कहेंगे? चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, लेखपाल संघ की जो परंपरा रही है परंपरा के अनुसार चुनाव हुए हैं और मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे नए भाई आए हैं और इस संगठन को और ऊंचाई दे, मैं उनके भविष्य उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और संगठन को ऊंचाई प्रदान करने की भगवान से हम अनुशंसा करते हैं। आप पहले रहे, इस समय आप क्या आप नहीं चुनाव मैदान में उतरे? मैं चुनाव में उतरा और लोगों ने उन्हें पसंद किया, मैं भरपूर उनका साथ दूंगा। तहसीलसरा में लेखपाल पद पर कार्यरत हूँ, आज जिलाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हमारे पूर्व लेखपाल संघ द्वारा किया गया है। निर्विरोध। अच्छा, क्या आपके संगठन की क्या लक्ष्य है, किस तरीके से आप अपने संगठन के लोगों को मजबूत करेंगे, कहाँ कठिनाइयाँ आएंगी तो आप साथ देंगे, क्या रणनीति बना है आपको निर्विरोध चुना गया है? तो अब निर्विरोध जो चुना गया है इसमें पूरे जो हमारे लेखपाल जो साथी हैं, जो भाई बहन हैं, उनका योगदान है। मैं उनकी प्रशंसा में शब्दों में नहीं कह सकता हूं, उनके लिए जितने भी शब्द मेरे पास शब्दकोश में नहीं है उनकी प्रशंसा करने के लिए। जिम्मेदारी बहुत है, समय हम लोगों के अनुकूल नहीं है, फिर भी लेखपाल किसी भी लेखपाल साथी के मान सम्मान के लिए, जैसा कि पूर्व कार्यकारिणी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो आंदोलन किए जा रहे हैं, जो भी किसी लेखपाल के साथी पर मान सम्मान पर कोई छूट आएगा उसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाने के लिए तैयार रहेंगे। जिस हिसाब से लेखपाल लोगों ने आपको निर्विरोध चुना है इस बार क्या कहेंगे, जिस उम्मीद से आपको चुना गया है? उम्मीद से चुना गया है कि जो हमारे लेखपाल संवर्ग का जो इतिहास रहा है बलिया जनपद का, उस इतिहास को बरकरार रखेंगे और लेखपाल संवर्ग बलिया जनपद के मान सम्मान को आगे तक बढ़ाएंगे, इसी उम्मीद के साथ मुझे लोगों ने निर्विरोध चुना है। लेखपाल सभी साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, किस तरह शुभकामनाएं देना चाहेंगे जिन्होंने आपको इस तरह शुभकामना के लिए? मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है, मैं उनका जितना भी प्रशंसा करूं जितना भी आभार व्यक्त करूं वो कम है। किन किन पदों पर चुनाव हुआ है? आज जिलाध्यक्ष पद निर्विरोध हुआ है, जिला मंत्री पद पर चुनाव। मैं कृष्ण कुमार यादव प्रांतीय सह सचिव खंड मंत्री आजमगढ़ मंडल आजमगढ़। आज किस प्रकार का चुनाव था, क्या था आज किस प्रकार का चुनाव था यहाँ? आज प्रत्येक जनपद में एक शाखा होती है जिसका उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ में द्विवार्षिक चुनाव होता है। यहाँ का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद आज हमारी ये जिला कार्यकारिणी का चुनाव हुआ जो सकुशल संपन्न हुआ। किन किन पदों पर चुनाव हुआ, कौन कौन लोग विजयी हुए? इसमें कुल 7 पद होते हैं जिसमें से 2 पद पर चुनाव हुआ, शेष पद निर्विरोध निर्वाचित हुए। प्रथम अध्यक्ष पद पर निर्विरोध हुआ,
द्वितीय पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिस पर निर्वाचन किया गया, जिसमें दो प्रत्याशी रहे, एक रही श्रीमती अंकिता सिंह और एक मनोज कुमार। उनमें 17 मतों के अंतर से मनोज कुमार यादव विजयी घोषित हुए। नव निर्वाचित सभी पदाधिकारी को क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हमने सभी पदाधिकारियों को बता दिया कि संगठन की गरिमा, अपने साथियों का हित, संविधान, जो भी हमारे संगठन का संविधान है, नियमों के तहत रह करके अपने भाइयों की सुरक्षा प्रदान करना, उनके किसी भी कठिन